नमस्कार, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा प्रोग्राम मेहमान में। तो आज बात पर्यावरण की और आज बात प्रदूषण रोकने की। वी हैव विद अस इन आवर स्टूडियोज टुडे श्री एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स लुधियाना, हु इज आल्सो नोन एज द ग्रीन मैन ऑफ पंजाब। बहुत स्वागत है आपका रोहित जी। थैंक यू मैम, मेहमान में। थैंक यू महोदया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो शुरुआत करती हूँ आपसे ये जान के कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस पे आपने बहुत काम किया है और आपने उसके ऊपर बहुत सारी संभावनाएं लोगों के लिए खोली हैं कि किस तरह हम इस इंडेक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये शुरुआत आपकी लाइफ में कहाँ से हुई? देखिए, मैं पहले सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है क्या। हमारे कल्चर में जो वर्ड है वो है वातावरण। वात मीन्स हवा, आवरण मीन जो उसका कवर है। तो जो भी हमारे हमारे आसपास का कवर है, चाहे वो पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे दूसरी भौतिक स्थितियाँ हो, उसको हम वातावरण कहते हैं। इसका जो प्रमुख घटक है वो है हवा। इसको आजकल के साइंटिफिक एनालिसिस से इसको एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं कि एयर की क्वालिटी क्या है। जितनी एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे होगा उतनी एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़िया माना जाता है। UNO और WHO के हिसाब से अप टू 80 सेटिस्फैक्ट्री मानी जाती है। उसके ऊपर एक स्टेज आए 80 to 150 हो गई, 150 से अबव हो गई तो ये एयर क्वालिटी है। इसमें ये देखा जाता है कि एयर में एयर की क्वालिटी क्या है, उसमें क्या क्या सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, कौन कौन सी गैसेज हैं और किस हद तक हमें ह्यूमन बींग को या हमारे जो वनस्पति या फ्लोरन फौना है उनको इम्पेक्ट करती है। तो ये हो गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में एक दो दशकों में हमारी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ख़राब हो रहा है। इसके लिए हमने स्पेसिफिकली प्रयास किए हैं, जिसमें हमने 5-6 स्टेप लिए हैं जिससे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इम्प्रूव होना शुरू हो गया। एब्सोल्युटली, मगर जैसे शुरुआत की बात की तो कहीं ना कहीं आपको कब ये लगा कि आपको एयर क्वालिटी पे काम करना है या इस वातावरण पे काम करना है, और किस तरह आपने अपने इस प्रोफेशन को, मतलब जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में आप हैं, तो उसके साथ साथ मिलके आपने समाज के लिए इतने सुंदर गार्डन बनाए हैं। वर्टिकल गार्डन्स की अगर बात की जाए, आपने इतना सारा काम किया है जिसके लिए मेरे ख्याल आपको एक दिन आइडिया आया तो आपने इनोवेशन करना शुरू किया। आई थिंक यू गॉट दैट आइडिया फ्रॉम सिंगापुर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। मैडम, मैं ट्रेनिंग के लिए गया था तो मुझे वहाँ सिंगापुर, मलेशिया वगैरह में मुझे लगा कि उन्होंने अपनी दीवारें कवर की हुई हैं। जब मैं उनको मैंने और प्रॉपरली चेक किया तो उन्होंने हर एक जगह पर अब उन्होंने छोटे छोटे डिब्बे लगाए हुए हैं और दीवारों पर भी उन्होंने पौधे और पेड़, छतों पर पेड़ लगाए हुए हैं। छोटा सा शहर है और बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा उन्होंने ग्रीन किया हुआ है। जब मैं वापस आया तो मुझे लगा क्यों ना हम यहाँ रेप्लिकेट करें, पर जब हमने वो डिब्बे चेक किए वो बहुत कॉस्टली थे। पर डिब्बा जो उनका कंटेनर था 1200-1500 पर रुपीस था। तो हमने क्या किया, हमने ये चेक करना शुरू किया गूगल में, यूट्यूब में, हमने रिसर्च करनी शुरू की कि व्हाट कैन बी द सिंपल अल्टरनेटिव्स। हमने प्लास्टिक की बोतलें ली और देखा इसराइल और जर्मन में इसको एज कंटेनर यूज़ करते हैं। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक दो दीवारें बनाई, वो इतनी ज़्यादा सफल रही कि आज हम प्राउडली कह सकते हैं कि हमने क्लोज टू 400 वर्टिकल गार्डन बना दिए हैं और वो पूरे के पूरे प्लास्टिक बोतल से बनाए हैं। निधि जी, आपने दूसरा पूछा कि क्या आपको ट्रिगर क्या किया। मुझे एब्सोल्युटली याद है कि 2017 की बात है, यही महीने थे तो मैं घर आया तो मेरा छोटा बेटा मुझे कहता है पापा हम घूमने चलते हैं 3-4 दिन के लिए। मैं कहा बेटा अगले महीने तुम्हारे पेपर हैं तो तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। कहते नहीं, हमें छुट्टियां पड़ गई। नवंबर 2017 की बात है। तो मुझे कहता नहीं पापा मैं ना 4-5 दिन की छुट्टियां पड़ गई हैं। तो मैंने कहा बेटा ये कौन सी छुट्टियां हुई। तो जो उसका जवाब था इट रियली मतलब इसने मुझे ट्रिगर कर दिया। वो कहता पापा मुझे ना पोल्यूशन की छुट्टियां पड़ गई हैं। आप इमेजिन करिए इतने से नन्नी जान ये बात कहे कि
उसको पोल्यूशन की छुट्टियाँ पड़ गई हैं, स्कूल इसलिए बंद कर दिए गए हैं कि बच्चों को, हमारे जो नौनिहाल है उनको एयर की जो जो बैड इफेक्ट्स हैं वो ना पड़े, तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। मुझे उस चीज़ ने ट्रिगर किया, तो उसके बाद मैंने सोचा नहीं, मुझे आई हैव टू एक्ट, सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। इस तरह टॉक्सिक है जो हवा जिससे हम सांस ले रहे हैं कि सांस लेना भी दुश्वर हो गया है। एब्सोल्युटली। मगर यहाँ से जब इसके बाद आप गए तो आपने एक तरह से कमाल कर दिया, कमेंडेबल अप्लॉडिंग एफर्ट दैट यू हैव पुट इन इन दिस। इसके लिए जो आपने पहली बार प्लास्टिक जो यूज़ किया, जैसे आपने अभी बताया, तो उस प्लास्टिक को आप कहाँ से लाए यूज़ करने के लिए? इतना प्लास्टिक तो मिलता नहीं। मैडम, हमने एक बड़ा अच्छा तरीका अपनाया। हम लुधियाना के टॉप स्कूलों में गए, कुछ सरकारी स्कूलों में भी गए, तो हमने उनको अपना आइडिया बताया कि वाई डोंट यू डू दिस, तो उनको भी अच्छा लगा। स्कूल वालों ने क्या किया, सर्कुलर निकाला। जैसे हमें प्रोजेक्ट्स मिलते हैं बच्चों को, तो उन्होंने कहा कि हर एक बच्चा अपने घर से दो दो वेस्ट प्लास्टिक की बॉटल लेकर आएगा, प्रोवाइडेड वो कोई भी बॉटल बाहर से नहीं खरीदेगा और नई बॉटल नहीं खरीदेगा। एक तो घर से जो फालतू चीज़ें पड़ी हुई थी वो आनी शुरू हुई, बच्चों ने उस पर अपने सिग्नेचर किए पेन से, और हमने उनको दीवारों पर लगवाना शुरू कर दिया। फिर हमने बच्चों से ही उनमें प्लांट्स लगाए, तो उससे क्या हुआ, बच्चों की अटैचमेंट हो गई। ना केवल हमने प्लांटेशन किया, बल्कि हमने बच्चों के मन में वी सीडेड द सीड इन देयर माइंड, तो मेरा प्लांट है, ये मेरा प्लांट है। तो कई बार ऐसे होता है कि जैसे बच्चे वापस जाते हैं, कोई प्रिंसिपल या टीचर्स मुझे फ़ोन करती हैं कि बच्चे आपस में लड़ रहे हैं कि मेरा प्लांट तेरे प्लांट से बड़ा हुआ, तेरा छोटा हो गया। इस तरह से एक सोच डेवलप हुई, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चीज़ के लिए। माननीय प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि स्वच्छ भारत हो, और इसके लिए इसी तरह से ट्री प्लांटेशन होना चाहिए, और कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में ये सब कहा गया है, और मेरे ख्याल इसके बारे में आपसे अच्छा कोई नहीं समझा सकता है। मैडम, हमारे शास्त्रों में बहुत चीज़ें ऐसी कही गई हैं जो आज के वातावरण के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे उत्तर में बिल का पेड़ लगाते हैं, दक्षिण में आंवला, दक्षिण पूर्व में अशोका, पश्चिम में बरगद और पूर्व में पीपल। ये एक तरह से एक पूरा का पूरा एक छतरी बन जाती है, जिसके अंदर रहने से बंदे को पॉजिटिविटी आती है। इन पांचों ट्रीज़ की मेडिसिनल वैल्यू है, और इन पांचों ट्रीज़ में साल में कोई ना कोई तीनों में इनमें से कोई तीन ट्री जिसके पत्ते भी रहेंगे और फल भी रहेंगे। यदि आप इसकी और डिटेल देखेंगे, आप बिल पत्र देखिए, बिल का पेड़ ऐसा है जो हमारी स्क्रिप्चर्स है वो कहते हैं कि इसमें लक्ष्मी माता का उद्गम इससे हुआ है, और शिवजी पर चढ़ता है, बोथ वैष्णविज्म एंड शैविज्म को मिलाया गया। आंवला सभी को पता है हेल्थ के लिए कितना अच्छा है, विटामिन सी के लिए कितना अच्छा है। फिर आता है अशोक, जो भी ये लगाता है उसको शोक नहीं होता। फिर पश्चिम में आ गया बरगद, बरगद को भगवान शिव का पेड़ कहा जाता है। जब भी भगवान शिव को आप मुद्रा में देखेंगे, बरगद के पेड़ के नीचे देखेंगे, यदि वो पहाड़ों पर नहीं होंगे। इसके तने में, रूट में ब्रह्मा जी का वास माना जाता है, इसके तने में शिव जी का वास माना जाता है, और पूरे मूल में इसमें विष्णु जी का वास माना जाता है। फिर उसके बाद आ गया, इसको अक्षय वृक्ष भी कहते हैं। अक्षय को कहते हैं कि कभी ख़त्म नहीं होता। यही एक दुनिया में एकमात्र ऐसा ट्री है जिसकी ब्रांचेस में से उसकी जड़ें निकलती हैं। आप देखेंगे ऐसी ब्रांचेस निकलेंगी, फिर बढ़ता जाएगा। कलकत्ता में एक 200 साल का ट्री है, वो 15 मीटर इधर गया हुआ है, 15 मीटर इधर गया हुआ है। फिर रह गया पीपल। पीपल वो संस्कृति में इसको अश्वत्थामा कहते हैं, जो कि कहीं से भी पानी ले लेता है, और ये इतना पवित्र पेड़ है कि कहीं भी उग सकता है। मगर यहाँ मैं आपसे ये एक और बात जानना चाहूँगी कि जब ऑल ओवर लुधियाना का एयर क्वालिटी इंडेक्स 286 था, तो आपके ऑफिस एरिया का 78 था। अगर ऐसा माना जाए तो ये सब क्या कमाल कर दिया आपने कि बाहर के लोग प्रदूषित हवा ले रहे थे और आपके यहाँ फ्रेश एयर थी। मैडम, वो जो हमने किया वो वर्टिकल गार्डन किया। वी हैव अ रिकॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट वर्टिकल गार्डन विद वेस्ट प्लास्टिक इन लुधियाना इनकम टैक्स ऑफिस। 14 नवंबर को पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट आए। उस दिन दिल्ली का, 14 नवंबर 2017 की बात है, दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो क्लोज टू 398 था। लुधियाना का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो क्लोज टू 274 था। साइंटिस्ट आए, उन्होंने 5 सैंपल लिए, विद उनका एक पीरियड होता है 1-1.5 घंटे में। तो हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो सिर्फ 78 था, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार लिवेबल और सेटिस्फैक्ट्री है।
इसका प्राइम कारण क्या था कि हमने अपनी दीवारों पर, अपने वो छतों पर हमने छोटे छोटे प्लांट लगाए. हमने वो प्लांट लगाए जो कि बेसिकली इंडियन प्लांट्स हैं, जैसे अजवैन लगा दी हमने, टिकुनिया वेन लगा ली, फिर हमने ये संगोनियम लगा दिया. ये ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं. अभी आज सिचुएशन क्या हुई है कि हमारे पास जो होरिजेंटल स्पेस है वो तो खत्म हो गया, अभी हमारे पास वर्टिकल स्पेस बचा. हमने वो क्यों ना वर्टिकल स्पेस को यूज़ करें ग्रीन कवर के लिए. इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये दीवार में सबसे पहले कि ये गर्मी एब्जॉर्ब करता है. एक रिसर्च के अनुसार जो अंदर का टेम्परेचर है वो आइडियल सिचुएशन में 5 से 7.5 डिग्री कम हो जाता है. और दूसरा, फिर लोगों ने ये भी कहा कि दीवार तो नहीं ख़राब हो जाती. फिर हमने एक और रिसर्च करवाई, उसकी रिपोर्ट के अनुसार इससे दीवार की लॉन्जिविटी बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी. उसका लॉजिक उन्होंने क्या दिया कि देयर इज नो डायरेक्ट एक्सपोजर टू द वॉल, टू सनलाइट, रेन्स और अदर फैक्टर्स विच इरोड्स अ वॉल. फिर उसके बाद अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, एक्सट्रीम नहीं रहेगा, और ये एक तरह से एक ग्रीन शील्ड बन जाता है. आप बिलीव करोगे कि बहुत ज़्यादा लोगों को उससे एक डेढ़ साल पहले 16-17 लोगों को डेंगू हुआ था. जब से हमने ग्रीन वो लगाया, वॉल लगाई है, ऑलमोस्ट डेंगू का जो लेवल है वो ज़ीरो हो गया. बट दिस इज़ ओनली अबाउट योर ऑफिस. आपने ऐसा बहुत काम किया है ऑल ओवर पंजाब, सो लेट्स डू इट वन बाय वन एंड अप्राइज ऑल आवर व्यूअर्स कि आपने कहाँ कहाँ काम किया. रेलवे में आपने बहुत काम किया, कैन यू शो सम लाइट ऑन दैट? लुधियाना रेलवे स्टेशन जो पहला इंडिया का ऐसा जगह बनी, ऐसा स्थान बना जिसमें वर्टिकल गार्डन बना विद वेस्ट प्लास्टिक बॉटल, उसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई. आई एम रियली ब्लेस्ड कि हमने गोल्डन टेम्पल की पेरिफ्री में किया, वहाँ तो हमने 40-45 हज़ार बॉटलें लगाई हैं और उसका पोल्यूशन का लेवल काफ़ी, आज ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, काफ़ी नीचे आ गया. लोगों ने वहाँ पर बॉटलें डोनेट करनी शुरू कर दी. तो आप इमेजिन करिए कि जो वेस्ट चीज़ थी उसको हमने प्रॉपरली यूज़ किया और पूरी पेरिफ्री में हमने वो लगाना शुरू कर दिया. फिर हमारा एक तख्ता दमदमा सा, वहाँ हमने किया, हमने सूरत में किया, हमने बड़ौदा में किया, बड़ौदा लायंस क्लब के साथ 6-7 स्कूलों में, वहाँ 6-7 प्रोमिनेंट एरिया में किया, दिल्ली साकेत कोर्ट में किया, संस्कृति स्कूल में किया, मॉडर्न स्कूल में किया, और जम्मू में किया, काफ़ी जगह, मतलब क्लोज टू 9 स्टेट्स और 24-25 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने ये वर्टिकल गार्डन किया है. और जहाँ पर हम नहीं कर सकते तो हम उनको वीडियो से गाइडेंस भेज देते हैं कि आप ये करो, आपको ये प्लांट चुनने चाहिए. मैंने अपना फेसबुक पेज बनाया हुआ है, आप उसमें क्वेरी डालिए, हम उसका रिप्लाई देते हैं. तो इस तरह से हमने क्लोज टू 400 वर्टिकल गार्डन बनाए और 9 स्टेट्स में और 24 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने वर्टिकल गार्डन बनाया. तो ये वर्टिकल गार्डन की जैसे बात करी जा रही है, तो ये वर्टिकल गार्डन कैसे बनता है? कैन यू एक्सप्लेन द स्टेप्स टू अस एंड क्या आपको इसके लिए चाहिए होता अदर देन प्लास्टिक एंड प्लांट्स, बिकॉज दे मे बी सम ऑपोजिशन फ्रॉम समवेयर आल्सो. या मैम, इट्स वेरी सिंपल, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. इट्स वेरी सिंपल कि प्लास्टिक की बॉटल लेनी है, उसके पेट को काटना है, राइट. एक बॉटल को दूसरी बॉटल के साथ अटैच करना है, उसके ढक्कन को साथ लगाना है ताकि वो एक नेचुरल ड्रिप का सिस्टम बन जाए. उसको दीवार में सिंपल आधे इंच या 1.25 इंच के स्क्रू के साथ आपको उसको ड्रिल करके लगा देना है. अभी जो एक ऊपर वाली बॉटल का पानी, उसके लिए ड्रिप इरिगेशन लगानी, एक सिंपल पाइप है, उसके बाद इनलेट्स है. जो ऊपर वाले बॉटल को पानी आएगा, जो उसका एक्स्ट्रा पानी आएगा वो नीचे वाले को आ जाएगा. सो वी आर एबल टू सेव क्लोज टू 92% ऑफ वाटर. 92% ऑफ वाटर, जबकि पानी की इतनी किल्लत हो रही है. तो ये जो आप सेव कर रहे हैं पानी, ये आप मुझे बताइए वर्टिकल गार्डन्स में होता है या ये जो अपने पंचपट्टी वगैरह बताए उसमें ड्रिप इरीगेशन नहीं हो सकता, तो उसमें कैसे कम पानी को इस्तेमाल किया जाए? यदि देखिए, जो ये हमारा एक मनुष्य होने के नाते हम अपने आप को ये समझते हैं कि वी मेंटेन प्लांट और वी नरिश देम, रादर बिफोर ह्यूमन बींग इस वर्ल्ड में आया ज़्यादा प्लांट थे. तो जो प्लांट है, इट हैज़ बेसिक नेचर ऑफ डेवलपिंग ऑफ इट्स ओन. ह्यूमन के एक्शन से ये खराब होते हैं, ये मेरा ये मानना है. जो इतना बड़ा फ्लोरन फौना है, पहाड़ों पर देखिए, बाकी देखिए, इसको हम लोग नहीं उगाते. तो ये इनकी नेचुरल टेंडेंसी इज़ टू ग्रो. तो जो पंचवटी है उसको 3-4 महीने यदि आपने नरिश कर दिया, उनको पानी दे दिया, तो दे विल बी ऑफ देयर ओन. मैम, उससे पहले मैं वर्टिकल गार्डन के बारे में बताना चाहूँगा कि हमने जो प्लास्टिक की बॉटल यूज़ की, क्लोज टू 6.5 लाख बॉटल्स यूज़ की और 50 टन्स ऑफ प्लास्टिक के आसपास हमने प्लास्टिक को रीयूज कर दिया. अदरवाइज दे कुड हैव गोन इन टू लैंडफिल्स. आप यदि प्लास्टिक को देखते हैं तो
एक प्लास्टिक की बोतल को डीजनरेट होने में 1000 साल तक लग जाते हैं। और अभी एक रिसर्च चाहिए, आपको बड़ा शॉकिंग लगेगा कि हम पूरे वर्ल्ड में, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया वालों ने रिसर्च किया है कि हम हर एक हफ्ते एक क्रेडिट कार्ड खाते हैं। आपको कि वो कैसे, हर एक हफ्ते एवरेज ह्यूमन बीइंग 5 ग्राम प्लास्टिक खा रहा है, तो हार्ट ब्लॉकेज नहीं होगी तो क्या होगा? तो ये जो चीज़ है कि हमें ये मानना है कि हमारे पास एक ही प्लैनेट है, देर इज ओनली अप ए प्लैनेट, देर इज नो प्लैनेट बी, सो हमें इसको प्रोटेक्ट करना है। तो इस तरह से हमने लोगों के मन में, बच्चों के मन में प्लास्टिक को एक यूज़ करने का तरीका बताया। मगर आप अगर बॉटल्स यूज़ करेंगे तो वो कोई भी कलर की लेते हैं या आप स्क्रैप से खरीदते हैं? ये वेस्ट का आप इतना सुंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट दिस शुड बी यू नो अ लेसन टू ऑल इंडिया। देखिए, इसके 3-4 तरीके हैं। पहले तो हम स्कूल के बच्चों को बोलते हैं, अमूमन हर एक घर में 2-2, 3-3 प्लास्टिक की बोतलें मिलती हैं। आजकल प्लास्टिक का ट्रेंड बड़ा चल रहा है, तो सभी लाकर इंटरेस्टेड, बच्चे लाकर इंटरेस्टेड रहते हैं, लोगों ने हमें बोतलें डोनेट की, ठीक है। फिर हम कुछ बोतलें जो होलसेल स्क्रैप वाले हैं उनसे लेते हैं, फिर उनको प्रॉपर सफाई करते हैं और उसको लगवाते हैं। सो ये 3 तरीके हैं बोतल इकट्ठी करने के। और जैसे अब आपका अगला स्टेप क्या है, क्या ब्यूटिफिकेशन करना चाहते हैं अब आप एज फार एज द गार्डन्स को? मैम अभी तो इसका एक्सपेंशन है, मेरा ये एम है कि मैंने 1000 के आसपास वर्टिकल गार्डन लगाने हैं, तो हम उसके पीछे अभी दिल्ली में भी लगा रहे हैं, काफ़ी जगह लगा रहे हैं। तो हमारा मेन पर्पज़ है कि इधर प्लास्टिक सर्वाइव्स और वी सर्वाइव, एंड आई थिंक वी विल सर्वाइव। तो दिल्ली NCR की इतनी ख़राब हो रही है हवा, इसको ठीक करने के आपके मन में क्या विचार हैं? मैम हमने एक और जो प्रयास बहुत सिंपल है और जो हम बहुत अच्छा डेवलप कर सकते हैं, वो सीड बॉल का। सीड बॉल क्या है, जैसे एक पहले दुनिया में एक प्लांट रहा होगा, अभी उसको किसी पक्षी ने खाया होगा और जहाँ उसने एक स्किट किया होगा वहाँ वो पेड़ उग गया होगा। अभी जापान और अमेरिका में ये चीज़ों को वो आर्टिफिशली बना रहे हैं। हमने क्या किया, मिट्टी ली, मिट्टी में मान लीजिए आपने नीम का बीज डाला और थोड़ी सी काई या कोकोपिट, जिसको जो नारियल का बुरादा है उसको डाल दिया, उसका एक गोला बना दिया। अभी आप वो सूख गया, जहाँ भी आप फेंकोगे जब उसको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट और कंड्यूसिव मॉइस्चर मिलेगा, इट विल बी अ प्लांट। अमेरिका में वो एरियल बॉम्बिंग कर रहे हैं, वो कहते हैं कि आजकल के बॉम्ब क्या है, सीड बॉम्ब्स हैं, वो जहाँ भी आप नहीं जा सकते आप जहाज में वो फेंक डाल दीजिए और वो फेंकते हैं। हमने क्लोज टू 200 स्कूल्स में ये बच्चों की वर्कशॉप की, उनको बताया कि सीड बॉल क्या है। अभी हमारे पास 5-6 लाख सीड बॉल बन गए, तो अभी इसको फ्लाई कैसे, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि दो साल पहले लुधियाना में एक रथ यात्रा निकलती है, पूरे इंडिया में निकलती है, तो मैंने उनकी जो कमेटी वाले हैं, मैंने उनको बोला कि क्या आप हमारे साथ हमारी मदद कर सकते हैं, तो उन्होंने पूछा आप क्या चाहते हो, हमने ये बोला कि हम आपको 2 लाख तुलसी के सीड बॉल देते हैं, तो आप इसको प्रसाद के तौर पर बांटो। तो उन्होंने 2 लाख सीड बॉल तुलसी के प्रसाद के तौर पर बांटे, यदि उसकी 80% भी सक्सेस रेशियो रहे, आप इमेजिन करिए कितनी तुलसी हो गई होगी। फिर हमने क्या किया, हमने लुधियाना और अमृतसर के बीच एक टोल प्लाजा है, तो हम स्कूल के बच्चों को और कुछ NGOs को ले गए, उनको बोला जो भी यहाँ टोल देगा उसको 8 सीड बॉल मिलेंगे, और सारी की सारी गाड़ी वहीं से निकलती हैं, लोगों ने लेना शुरू किया और फेंकना शुरू किया उस एरिया में सीड, जब भी बारिश हुई वो प्लांट्स अंकुरित होने शुरू हो गए। इस तरह से आपको यदि इस प्लैनेट को सेव करना है तो आपको कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना पड़ेगा, ताकि लोगों के मन में एक विचार जाए कि इसके बिना हमारा गुजारा नहीं है। बिल्कुल, और जैसा देखा जाता है, अगर दिल्ली की बात करें, बेंगलुरु की बात करें या कुछ बड़े मेट्रो शहरों की बात करें, तो यहाँ ये भी देखा जाता है कि पाम का बहुत यूज़ हुआ है, विच इज़ नॉट सो प्रोडक्टिव फॉर ऑक्सीजन, क्या कहना चाहेंगे आप? मैम देखिए, पाम का जो, यदि आप मेरा ओपिनियन लेंगे तो पाम का कोई फ़ायदा नहीं है। वही जैसे पंजाब में या इंडिया में हमने यूकलिप्टस लगा दिया, मैं बचपन में हिंदी में पढ़ता होता था कविता, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे थे दूर, वो खजूर का पेड़ है फिर भी उसमें फल निकलता है। पाम का कोई फल नहीं होता, ना मेडिसिनल वैल्यू है, ये तो सिर्फ एक शो वाला है। आप हमारे पेड़ देखिए, अमलतास देखिए, गुलमोहर देखिए, चिनार देखिए, जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। हमें ना केवल प्लांटेशन करनी है बल्कि इंडिजनाइज जो इंडिया की प्लांटेशन है, जो नेटिव प्लांट है वो लगाने हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में इनको भगवान का रूप दिया गया। एक पीपल का पेड़ एक साल में
2200 किलोग्राम ऑक्सीजन को इंटेक करता है, 1800 किलोग्राम वापस देता है ऑक्सीजन और 400 किलोग्राम को कंज्यूम करता है। इमेजिन करिए कि कितना ज़्यादा फलदायी और कितना ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा वो होगा। तो ये चीज़ें हमारे सभी कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ ये चीज़ है कि हमें अपना माइंडसेट चेंज करना है। उसको चेंज कैसे किया जाए? कैन वी प्लांट सम स्मॉलर ट्रीज देयर? क्या आपके मन में विचार है मैम? जैसे जैसे मैंने दिल्ली में बाकी जगह भी देखा है, हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे क्रीपर्स हैं, मधुमालती है, कृष्ण कोमदी है, फिर उसके बाद ये काफ़ी अच्छे अच्छे चमेली है। तो ये जो चीज़ें हैं ये ना केवल आपको अच्छी फ्रेगरेंस देंगी, ब्यूटी भी देती है, पर हम लोगों ने इस पर काम नहीं किया। हमें लगता कि जो बाहर की चीज़ है अच्छी है, उसको यहाँ एज इट इज़ हम रेप्लिकेट कर लेते हैं। उनकी सिचुएशंस अलग हैं, वहाँ इन्वायरमेंट अलग है, यहाँ की जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें वो लगानी है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में हमने एक दो हर्बल गार्डन की ट्राई की है, वो हम उसमें जो जो भी इंडिया के बेसिक ट्रीज हैं वो लगा रहे हैं। Where are you doing this herbal garden प्रयास? जी, हमने ये अमृतसर में किया जी, और हमने ये लुधियाना में किया। और कुछ और पेड़ों की अगर आप बात करें तो अर्जुन पेड़ की खासियत बताइए। मैम अर्जुन क्या है, आपको बिलीव नहीं होगा, आप नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल को यूट्यूब करिए, एम्स में अभी उन्होंने अर्जुन की छाल को हार्ट ब्लॉकेज के लिए रिकमेंड करना शुरू कर दिया। अर्जुन की छाल यदि आप सर्दियों में लेते हो तो आपकी सारी की सारी जो ब्लॉकेज है वो निकल जाती है। सो दिस इज, आई एम नॉट सेइंग दिस इज, यू कैन साइंटिफिक थिंग्स। तो ये चीज़ें हमारे जो प्लांट्स हैं ये दीज आर मेडिसिन, हमें उन चीज़ों को रिवाइव करना है, नहीं तो हमारा फ्लोरा एंड फौना खत्म हो जाएगा। तो हमें इन चीज़ों को जो हमारे बेसिक चीज़ है वो हमें उनको रिवाइव करना है। अच्छा टेल मी रोहित जी, जब आपने ये प्रयास शुरू में किया, जब आप इंडियन रेवेन्यू सर्विस में रहते हुए कर रहे थे, तो किस तरह का सपोर्ट मिला आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन से और इसके स्टार्ट करने के लिए? जैसे कोई भी प्लांटेशन है उसको स्टार्ट करने के लिए कुछ तो चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे आपने कहा प्लास्टिक बॉटल्स लोगों ने डोनेट करी, इसके अलावा मॉनिटरी असिस्टेंस कहाँ से मिली? मैम जैसे आई एम सो ब्लेस्ड, आई हैव सच ए गुड सर्विस, में सभी पॉजिटिव लोग हैं, मेरे इमीडिएट बॉस चौधरी साहब हैं, फिर बिक के जहाँ इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव पर्सन। अभी हमने उसमें किया क्या, जैसे जो पहले वाला हमने जो शुरू किया तो हमने 200 रुपये सभी से कंट्रीब्यूशन लिया कि हम एक वॉल बनाकर देखेंगे, सभी ने दिया। जब ये ग्रो होना शुरू हो गया तो जैसे किसी बिजनेसमैन को कहा कि आप अपने यहाँ पर कर सकते हैं, तो कहता कि मैं बॉटलें भी प्रोक्योर करूँगा, प्लांट्स भी प्रोक्योर करूँगा, आप हमें सिर्फ गाइड कर दीजिए। हमने इसको एक SOP बनाकर दे दिया। स्कूलों में उन्होंने क्या किया, स्कूलों वालों ने बॉटलें मंगवाई और डीलर लिया, हमने उनको गाइड कर दिया। सो एक तरह से ये एक चेन रिएक्शन हो गया, और जिसको अच्छा लगा, आपको ये फोटो देख कर लगता होगा कितना अच्छा लगा, तो ये इतना ज़्यादा रेप्लिकेट होना शुरू हो गया कि इट हैज़ बिकम अ मूवमेंट काइंड ऑफ थिंग। बट इसके लिए आप इतना समय कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि फुल टाइम यू आर द एडिशनल कमिश्नर, तो वहाँ भी काम करना ज़रूरी है। जी मैम, मैम सैटरडे संडे इज़ ऑलवेज ऑफ, और सुबह 9 से पहले और शाम 6 बजे के बाद, और एज ए सिटीजन वी शुड डू समथिंग। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप कहीं ना कहीं देश सेवा के साथ साथ समाज की सेवा भी कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कुछ वापस कर रहा हूँ। नेक्स्ट विजन क्या है आपका? दिल्ली की बात की जाए, NCR की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, देर यू आर ऑलरेडी नोन एज अ ग्रीन मैन, क्या लैंडस्केप है आपके मन में, क्या देखना चाहते हैं आप? कितनी बिल्डिंग्स आपको दिखती है, यहाँ काम होना जरूरी है। 2015 से पहले मेरा एम था कि बिफोर आई डाई आई विल प्लांट 1 लाख ट्रीज। आई एम सो ब्लेस्ड कि 31 दिसंबर 2016 को वो पूरा हो गया। अभी हमने क्लोज टू 7 लाख ट्रीज और प्लांट्स लगा दिए हैं। 31/12/2020 12 बजे तक मुझे 1 करोड़ प्लांट लगाने हैं। दिस इज़ माई सिंपल एम। सेकेंड थिंग इज़ कि मुझे अभी अब आज तक हमने 26 जंगल लगाए हैं, छोटे जंगल जो 500 स्क्वायर फुट से लेकर 4 एकड़ तक हैं। अभी हमें 1000 जंगल लगाने हैं ताकि हम लोगों को बताएं कि देर आर वेज, देर आर स्पेसिस, द ओनली ट्रबल, द ओनली आई मीन प्रॉब्लम और द स्पीड ब्रेकर्स योर माइंड। यदि आपने सोच लिया आपने करना है तो आप दीवारों पर भी लगा सकते हैं। 1000 हमें वर्टिकल गार्डन लगाने हैं और 1000 हमें वैदिक वन या नानक वन जिसको हमने नाम दिया वो हमें लगाने हैं। वो काफ़ी छोटे एरिया में लग सकते हैं, तो आपके घर के गार्डन में लग सकते हैं। 400 स्क्वायर फुट इज़ नथिंग। हम 400 स्क्वायर फुट को 250 स्क्वायर फुट के डिस्टेंस में लगाते हैं, और हम ऐसे प्लांट लगाते हैं जो आप एक दूसरे का न्यूट्रिशन ना लें, एक दूसरे से कंप्लीमेंट्री हो और डेवलप करें। जैसे एक बड़ा प्लांट लगेगा, उसके पास एक श्रब लग जाएगी, फिर उसके बाद एक
क्रिपल लग जाएगा, गिलोई लग जाएगी, ताकि वो 6-7 महीने में वो इतना डीप हो जाएगा कि सनलाइट भी उसमें पेनिट्रेट ना कर सके। आई थिंक इट्स बीन रियली इंटरेस्टिंग स्पीकिंग टू यू रोहित जी, और चलते चलते मैं बस यही आपके लिए निवेदन करूँगी कि आप IIMs में जाके इस नॉलेज को पार्टेक करें, सो दैट यू नो अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इन दैट स्टेज ऑफ बिल्डिंग अ न्यू इंडिया टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम यू। कुछ ऐसा इरादा है आपका? मैम, आई हैव बीन इनवाइटेड टू IIM इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, वो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। IIT जम्मू में भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो अभी मेरा पर्पज़ है कि जितना भी मेरे पास ऑफिस के बाद वाला टाइम होता है, उसका एक ही सिर्फ पर्पज़ है कि मुझे ये चीज़ लोगों के मन में लानी है। इफ़ आई मेक समथिंग, इट इज़ ओनली वन थिंग, इफ़ आई सीड द सीडिंग, तभी जाके आइडिया चेंज होगा। एंड मैम, इन लाइफ यू हैव ओनली टू वेज, इधर यू कैन एक्ट और रिएक्ट। आई थिंक एक्शन इज़ फार मोर बेटर। रोहित जी, आई वॉन्टेड टू आस्क यू कि आपने ये जो महत्वपूर्ण काम किया है, उसमें कहीं ना कहीं तो कोई चुनौती, कोई चैलेंज आया होगा, तो कैसे निपटे आप उससे? मैम, चैलेंजेस तो लाइफ में रहते रहते हैं, बट आपका आउटलुक ये होना चाहिए कि चैलेंजेस आर अपॉर्चुनिटीज। हमें भी चैलेंजेस आए तो हमें इसको एज ए अपॉर्चुनिटी चेंज किया। प्लास्टिक इज ए चैलेंज था, हमने उसको एज एन अपॉर्चुनिटी चेंज किया। जगह नहीं थी, एक चैलेंज था, हमने उसमें जगह बनाई, एक अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट किया। सो इट डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट कि आप कैसे चेंज करते हो। एंड हियर आई वुड लाइक टू टेल ऑल आवर व्यूअर्स टुडे दैट दिस इज द वे टू गेट रिड ऑफ योर प्लास्टिक वेस्ट एंड ऑल योर रैपर्स। मोर लक टू यू रोहित जी और इन ऑल योर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। धन्यवाद फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। एंड टू ऑल आवर व्यूअर्स, यही कहना चाहूंगी कि आप सब मिलके इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। एंड ऑल ऑफ आस शुड हैव ग्रीन फिंगर्स, और इस प्रदूषण से हम इसी तरह निपट पाएंगे। इसी के साथ दीजिए पूरी टीम को इजाजत, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, कीप वॉचिंग DD नेशनल।